टीम ने फाइनल का टिकट अपने हाथ में लिया है और यहाँ फाइनल की तरफ एक कदम आगे बढ़ाती हुई शिलारा बी की टीम, यानी कि कल सुबह 10 बजे कांटो का मैच होगा। लोगों, मैं सम्मानित दर्शक भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप ठीक 10 बजे आ भाई, अभी बता दें कि फाइनल कब होगा। फाइनल नहीं है ये अभी, बिटू बताओ जी। फिर भी ठीक 10 बजे वही प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। हाँ, पुरुष वर्ग में हो जाएगी। हाँ, पुरुष वर्ग में हो जाएगी, बता देंगे। हाँ, अंशु मार का मान सम्मान किया है साइल यूएसए से, अपना मान सम्मान लेने बेटी अंशु। अंशु मोर का मान सम्मान किया गया। पहले बार 3 जनवरी को आशीष मलिक प्रधान के द्वारा बहुत बड़ी खेल प्रतियोगिता कराई जाएगी, जिसके पुरस्कार में आपको पहले भी बता चुके हैं, लखौर के खिलाड़ियों को इनाम स्वरूप दिए जाएंगे। और इसके बाद में 4-5 फरवरी को खंडाई गांव की पावन धरा पर 205 खिलाड़ियों का मान सम्मान आशीष मलिक प्रधान और अमित सराव सरपंच खंडाई के द्वारा किया जाएगा। तो सभी टीमों से मैं अनुरोध करूंगा आने वाली 3 जनवरी को लिजवाड़ा कला की पावन धरा की इस प्रतियोगिता में पहुंचकर प्रतियोगिता की सेवा बढ़ाएं। स्नेह लपेट भाई, लपेटे लपेटे। हाँ, अपनी नेक कमाई से अंशु मोर लगाना का मान सम्मान किया 500 रुपए से रोहित सिलाना ने। ये 2 अंडाउट थी बेटा, नियम के हिसाब से रेड आउट होना चाहिए। मई 25 का स्कोर है। मई 25 दूसरा सेमीफाइनल, ये है अंतिम पॉइंट टू रेडर, पॉइंट टू रेडर। क्यों भलम बना रहा भाई ये? कमाई कर दिया। दूसरा सेमीफाइनल, साई की टीम पहले ही टिकट प्राप्त कर चुकी है फाइनल की, जिसका मुकाबला इस मैच के विजेता के साथ में होगा। लेकिन अभी तक का जो मैच है, इसी प्रकार यदि मैच चलता है तो सिलाना और साई के बीच में फाइनल मुकाबला हो सकता है। लेकिन कबड्डी अनिश्चितताओं का खेल है। अंबे अकादमी बहादुरगढ़ की टीम कोई चमत्कार करे, अच्छा प्रदर्शन करे, तो ये कहानी विपरीत भी हो सकती है। हाफ टाइम चेंज द कोर्ट, स्कोर बताइए जी। 27-9 इन शिलाना बी। हमारा एक में भाई अमेरिका में और जाए, आगे बढ़े और खेल प्रमोटर बने, ये हमारी शुभकामनाएं है। अब रेड पर है 7 नंबर की जर्सी की खिलाड़ी निशा चुनकर की बेटी, आज सिनेमा गांव की बेटी बनकर के खेलती हुई 3 डिफेंडर काउंट पर मौजूद है। सुपर टैकल ओड है, लेकिन ये निशा है अंक लेने में कामयाब रही। फिर रेड पर चली 7 नंबर की जर्सी की खिलाड़ी अंबे एकेडमी भादुरगढ़ की तरफ से सिलाना के कोर्ट में कोशिश प्रयास करती हुई। सामने मजबूत डिफेंस, रिंकी की बात हो और हो। हाँ भाई बिट्टू जी, जो ये सेमीफाइनल आ गए भाई है टीम, दोनों ग्रैंड विनर करेंगे, क्या होती का फैसला? ठीक है, जो तीसरा पुरस्कार है वो आधा आधा दिया जाएगा, 10.5-10.5। हाँ बिल्कुल जी,
बहुत अच्छा फैसला है क्योंकि हार्ड लाइन के मैच नहीं होते, हाँ लाइन के सामने से ट्रॉफी का टॉस हो जाएगा। कोई बात नहीं जी, और फिलहाल अंतिम रेड का केवल औपचारिकता पूरी की क्योंकि वो जानती है कि उनकी टीम बहुत आगे है इस मैच में। अब 8 नंबर की दर्शी की खिलाड़ी कोशिश प्रयास और बिल्कुल एडवांस टैकल। रेड आउट पॉइंट टू शिलाला बी और फिर रेड पर है निशा चौकारा धाम, 3 का डिफेंस है। और यदि ये लौंडा अंबे अकेडमी बहादुरगढ़ की टीम को लगा तो फिर मैच निर्भर हो सकता है। फिलहाल आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला चलता हुआ, कल फाइनल मुकाबला साई की टीम जो पहले ही टिकट प्राप्त कर चुकी है, जो इस मुकाबले की विजेता टीम होगी उसके साथ मैच खेलेगी। और इस बार डोली को आसानी से टो टच किया। रेड पर है 9 नंबर की जर्सी शिलाना बी की तरफ से, 4 के डिफेंस में 2 गाय रेड है, 3 रेड है, नियम आप सभी जानते हैं। और पॉइंट टू अंबे अकेडमी बहादुरगढ़। पवन दलाल ने घोषणा की है यदि अंबे अकेडमी बहादुरगढ़ की टीम जीतेगी तो 3100 रुपए से मान सम्मान पूरी टीम का किया जाएगा। स्कोर बताइए जी, स्कोर बताइए। 13-29, 29-13 इन फेवर ऑफ शिलाना बी। शिलाना बी काटने का मुकाबला है, 13-29, 4 का डिफेंस बोनस ऑफ है, टच करने का प्रयास रिंकी को और इस बार निशा चौकाना एडवांस टैकल करने के लिए गई। अब हो गया है 14-29, 14-29 अंतिम है रेड पर 8 नंबर की जर्सी में। कहा लौटना हो रहा था अंबे अकेडमी को और अब लौटने का खतरा, ऑल आउट का खतरा शिलाना बी की टीम को होता हुआ। यह है कबड्डी की खूबसूरती। मराना ये टीम भाई सटेज पे आ जाओ, मराना ये टीम रुपयाई का फायदा मिला, 2 पॉइंट लेने में कामयाब हुई। हाँ सुपर ओवर लगा दी, बोनस प्लस 2, 3 पॉइंट। मराना टीम, मराना ये टीम सटेज पे आ गए भाई। और मोहन जी शिलाना भी जिंदाबाद है, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, हाँ टेक्निक का खेल है तो सब्जी और यही तो भी बहुत लगा चला।